1.25 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश और सभी के लिए रोजगार उगा पाना सरकार के लिए भी नामुमकिन है। बेरोजगारी का अंत तभी संभव है जब आम आदमी अपना उद्यम स्वयं सृजित करने, और यह तभी संभव हो सकता है जब हर हाथ हुनरमंद हो। मौजूदा समय में निजी क्षेत्र में भी पहचान बनाने के लिए युवाओं के पास कई विकल्प मौजूद हैं। पढ़ाई के साथ ही कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जिनमें आगे बढ़कर युवाओं को मान सम्मान के साथ ही अपने भविष्य को संवारने का मौका मिलता है। योग्यता किसी की मोहताज नहीं, वो हर क्षेत्र में अपना स्थान बनाने में सफल हो जाती है। इन्हीं विचारों को धरातल वर्तमान मौजूदा परिदृश्य में अमल में लाने की नितांत आवश्यकता है। इसी कार्यशाला के धरातल पर उतरने के उद्देश्य से नेहरू युवा संगठन के बैनर तले एक संगोष्ठी का आयोजन नगर दबोह के मॉडर्न गुरुकुल अकादमी में प्रभात युवा मंडल द्वारा आयोजित किया गया है। इस संगोष्ठी में नगर के सैकड़ों युवाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस पर नगर के वरिष्ठ बुद्धिजीवी वर्ग ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि निजी और सरकारी नौकरियों में अपने अपने सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होते हैं, लेकिन यह आपके चुनाव पर निर्भर करता है। अधिकतर लोगों की इच्छा होती है कि वे सरकारी नौकरी करें, लेकिन सीमित पद और कठिन प्रतियोगिता के चलते हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है। अपने सपने को पूरा करने के लिए व्यक्ति को लिखित परीक्षा में सफल होने और फिर इंटरव्यू के पास होने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वहीं निजी कंपनियों में अपेक्षाकृत अधिक नौकरियाँ होती है और लोगों के इसमें चयनित होने की संभावनाएँ अधिक होती हैं। वर्तमान में दैनिक जीवन में आने वाले तमाम मौजूदा संस्थान ने प्राइवेट सेक्टर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और यही सकारात्मक सोच प्रदान करने के उद्देश्य से नगर में आयोजित निजी क्षेत्र में कैरियर की संभावनाओं को तराशने के लिए नेहरू युवा केंद्र की ओर से ऐसे तमाम कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं जो युवाओं के कौशल को भविष्य में रचनात्मक आयाम प्रदान करें। क्या होता है, युवा हमारे क्या भटके जाते हैं, उनको कंफ्यूजन होती है, समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना होता है। तो इस उद्देश्य को लेते हुए आज एक कार्यक्रम किया जिसमें हमारे अतिथि वक्ताओं ने उन लोगों को बताया कि वो किस तरीके से अपने कैरियर को बना सकते हैं, उसका मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे छोटे बच्चों को उनसे फ्यूचर से संबंधित आवश्यक जानकारियाँ दी गई और उन्हें फ्यूचर में क्या करना चाहिए, अपनी स्किल डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए ताकि वो अपने फ्यूचर को बना सके। इस तरह के आयोजनों से लोगों को ये सीख मिलती है कि हम अपने कैरियर को आगे कैसे बढ़ाएं, कैसे अपने को ढालें, किस तरह हम आगे बढ़ें जिससे हमारा आर्थिक विकास हो और हम लोगों को भी सुदृढ़ बना सकें। भिंड से पीयूष बिरथरिया की रिपोर्ट।